दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पैकेजिंग प्लान के बारे में बताने वाली हूँ जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको 2.5 से 3 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती थी। आज वही प्लान मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट पे। तो क्या बिजनेस होने वाला है मैं स्टेप बाय आपको डेमो के साथ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे हमारी फर्स्ट मशीन आप देख रहे हो, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को फिल कर सकते हो, चाहे इसमें कोई भी पाउडर रिलेटेड आइटम हो, चाय पत्ती हो, आटा चावल हो, हर तरीके का प्रोडक्ट फिल करके यहाँ पे सेकंड मशीन होने वाली है, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को सील कर सकते हो। ये आपका प्रोसेस हो गया डन, ये हमारी हो गई है पहली पैकिंग। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पैक कर सकते हो। और सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मशीन आपको मिलने वाली है इसमें आपको बड़ी ग्रामेज में भी मिल जाएगी। ये हो गई आपकी पहली पैकिंग और यहाँ मैं आपको दूसरी तरीके से पैकिंग करके दिखाने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने फिल कर लिया है। ये सेकंड मशीन हमारी जो होने वाली है वैक्यूम पैकिंग मशीन होने वाली है। इस मशीन से क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर नमी हो जाती है, लाइक इमली हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आपकी नमी आ जाती है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को उसके अंदर की एयर करने के लिए ये देखिए बटन दबाए, पूरा प्रोडक्ट जो है अंदर की जो वैक्यूम है पूरी तरीके से जो इसका एयर है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वैक्यूम होने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली से ये ऊपर आप देख सकते हैं टाइमिंग आपकी चल गई है, प्रोसेस होने के बाद बजर जो है आपका बीप करने लगता है। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो है प्रोडक्ट आपका वैक्यूम हो चुका है। ये हो गई आपकी वैक्यूम पैकिंग। इसके अलावा हमारे पास तीसरी मशीन आपको मिलने वाली है, लाइक ये तो आ गया आपका सिल्वर पाउचेज। इस तरीके के जो पाउचेज होते हैं मसाला ड्राई फ्रूट में, उसमें क्या है पीछे आपको MRP वगैरह एक्सपायरी डेट वगैरह प्रिंट करनी होती है, तो उसके लिए आपको हमारे पास मैनुअल मशीनें भी मिलने वाली है। देन थोड़ा आप डिजिटल में जाते हो तो डिजिटल में इस तरीके से आपको मशीनें हमारे पास मिल जाएंगी जिसमें आप अपना MRP हो गया, बारकोड हो गया, सब तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। मैं डेमो के साथ भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका प्लेन कागज है, यहाँ पे हमने सारी चीजें सेट कर रखी है, हमने इसे ओके किया और ये आप देख सकते हो आपका जो MRP वगैरह है वो सब प्रिंट हो चुका है। आप इसमें अपना बारकोड लगाना चाहो, एनी प्रोडक्ट पे आप अपनी MRP वगैरह इसमें प्रिंट कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ऊपर आप काफी तरीके के पाउचेस आप देख पा रहे हैं, सारा रॉ मटेरियल आपको हमारी कंपनी में मिलने वाला है। और यहाँ पे आप इस साइड देखो कि पैकिंग करने का तरीका भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन पैड को आप पैक कर सकते हो, जैसे मैंने सिंगल पाउच आपको पैक करके दिखाया उसमें आप लड़ी में भी आप इस मशीन से पैकिंग कर सकते हो। इस बिजनेस को जो है कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़ी आसानी से इस बिजनेस को आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको सिंगल पाउचेस अभी आपको पैक करके दिखाया उसी तरीके से आप ये लड़ी भी इस मशीन से आप पैक कर सकते हो, चाहे आपकी मसाले में लड़ी हो, ड्राई फ्रूट में हो, या आपका सिंगल ग्रीन पैड आप पैक करना चाहो, एनी साइजेस। आप इस साइड देखो काफी सारा रॉ मटेरियल आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको ये देखो अलग अलग तरीके से आपको पाउचेस मिल जाएंगे, लड़ी में सारे पाउचेस आपके होने वाले हैं। देन इसमें आपको ट्रांसपेरेंट पाउचेस, ग्रीन पैड के पाउचेस ऊपर काफी सारे आपको दिख रहे होंगे। ये सारा मटेरियल जो है आपको हमारी ही कंपनी में मिलने वाला है। और इस साइड भी आपको काफी ज्यादा ग्रीन पैड का जो स्टॉक है यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रीन पैड का स्टॉक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल, स्वागत है आपका GK व्लॉग से एक नई और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले एक ऐसा बिजनेस जिसे आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आप यहाँ पे लोन पर मशीनें खरीद सकते हो, A to Z मशीनें आपको यहाँ से लोन पर मिलने वाली है, सारा रॉ मटेरियल मिलने वाला है। तो किस तरीके का बिजनेस होने वाला है, सारी कंप्लीट जानकारी, तो दोस्तों इस बिजनेस की सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए मैम से मिलते और लेते हैं सारी जानकारी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। दोस्तों हमारी कंपनी का जो नाम है रॉयल खान कंपनी है, जो दिल्ली में अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने हमारी कंपनी है। तो मैम आपकी कंपनी जो किस किस मशीनों में डील करते हैं, क्या बिजनेस आइडिया देने वाले हैं आज? सर हमारी कंपनी की मैं बात करूँ तो हमारी कंपनी काफी तरह की लघु उद्योग से रिलेटेड काफी तरह की मशीनें मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें आपकी ब्लिस्टर पैकिंग हो गई, डोना पत्तल हो गई, बैंड सीलर हो गई। लेकिन आज मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाली वो बिजनेस जो होने वाला है आपका पैकेजिंग से रिलेटेड, इस तरीके की जो पाउच आप पैक करते हो उस प्लांट के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो बिजनेस है कौन कर सकता है, महिला या पुरुष या फिर लेबर वगैरह रखने की जरूरत है इसमें? सर इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़ी आसानी से आप घर पे छोटी सी जगह पे मशीन लगा के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बात है, मतलब कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी सी जगह पे ये बिजनेस शुरू करा जा सकता है। हां जी सर। मैम सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है कि अगर हम ये बिजनेस शुरू करते हैं तो कम से कम महीने का कितना कमा सकते हैं इस बिजनेस में? सर अगर इस बिजनेस की मैं बात करूँ, अगर ये प्रोडक्ट भी आप पैक करते हो तो दिन का बड़ी आसानी से आप 1500 से 2000 तक आप कमा सकते हो। तो उसी अकॉर्डिंग आप महीने से
से आप इसे चेक कर सकते हो कि कितना मार्जिन आपको महीने में मिलने वाला है। क्या बात है, मतलब बेसिकली दोस्तों बिजनेस जो होता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, अगर आप जितना ज्यादा सेल करते हो उस हिसाब से आपका मार्जिन होता है। मैम के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आप सेल करते हो पर डे के हिसाब से, आपने जो बताई है कॉस्टिंग पर डे 1500 से 2000 रुपए आप कमा सकते हो मशीन की प्रोडक्शन के हिसाब से। हाँ जी सर। तो दोस्तों इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि आप बता देते हो 2000 3000 हम 500 रुपए भी नहीं कमा सकते। तो दोस्तों ये मशीन के प्रोडक्शन के हिसाब से बताया जाता है, आप जैसे अगर मार्केट में आप सेल कर देते हो उस हिसाब से आपका मार्जिन होता है और आप आराम से कमा सकते हो 50 से 60 हजार रुपए तक, बस आपको बेचना आना। तुम जैसा कि आपने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि आप 2.5 से 3 लाख का सेटअप सिर्फ 40 हजार रुपए में दे रहे हो, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, आज मैं आपको जिस पैकेजिंग प्लांट का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जिस बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए 2.5 से 3 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, वो कैसे करनी पड़ती है मैं आपको थोड़ा डीपली बताती हूँ। आप जब पाउच पैकिंग के बिजनेस में आप जाते हो तो आपको करना क्या होता है, इसमें आपका अलग अलग ग्रामेज होता है, किसी को 10 ग्राम करना है, किसी को 50 ग्राम पैक करना है, तो किसी को 100 ग्राम पैक करना है। तो उसके लिए आपकी जो पैकेजिंग मशीनें आती है पाउच पैकिंग, वो काफी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें 1 से 10 ग्राम के लिए अलग मशीन लो, 10 से 50 ग्राम के लिए अलग लो और 50 से 100 ग्राम के लिए अलग लो। इसमें क्या हुआ, आपकी 3 मशीनें लग गई, 3 मशीनों के लिए अलग से आपको कमर्शियल एरिया भी चाहिए, फिर आपको लेबर भी चाहिए और कमर्शियल मीटर भी चाहिए। जो इतना बड़ा प्लांट अगर आप करोगे सेटअप तो उसमें आपका 2.5 से 3 लाख आसानी से आपका लग जाएगा। तो लेकिन अपने पास क्या सुविधा मिलने वाली है? उसी प्लांट को हम आपको लेके आए हैं मात्र 40 हजार में। उसमें क्या, ये हमारी फर्स्ट मशीन होने वाली है, आप ये मशीन देख सकते हो, ये हमारी डिजिटल वेट फिलिंग मशीन है। यहाँ पे आप अपना 2 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक फिल कर सकते हो इस एक ही मशीन से। यहाँ पे आप अपना ग्रामेज सेट करिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 20 ग्राम यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से आपको फिल करना है। मैम इस वेट फिलिंग मशीन से क्या क्या फिल कर सकते हैं? सर हर तरीके के पाउडर रिलेटेड आइटम हो गए, या आपका चावल हो गया, चाय पत्ती हो गई, आटा हो गया, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो इसमें आप फिलिंग करना चाहो इस मशीन से आप फिल कर सकते हो। 2 ग्राम से 100 ग्राम का मैंने आपको ये बताया है। सेकेंड मशीन आती है हमारी बैंड सीलिंग मशीन, इसमें क्या है, आप अपने प्रोडक्ट को सील कर सकते हो, चाहे आपका लड़ी में प्रोडक्ट हुआ, सिंगल सिंगल हुआ, किलो में हुआ, एमआर आपका, सब तरीके का जो प्रोडक्ट है आप ये देखो बिल्कुल सील हो गया, वो भी 2 से 3 सेकंड आपके लगने वाले हैं। सिर्फ एक छोटी सी मशीन से यहाँ पे सील हो रहा है, कोई बहुत बड़ी प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका कमर्शियल एरिया बच गया और सबसे अच्छी बात ये जो मशीन है आपकी सिंगल फेज पे आपके नॉर्मल घर के मीटर पे आपकी वर्क करेगी। क्या बात है, एरिया की बात करें आप देख सकते हो 2 मशीनों का सेटअप आपका कितने एरिया में लगने वाला है, सिर्फ एक टेबल पे रख के भी आप ये काम कर सकते हो। हाँ जी सर, 40 हजार में जो मशीन है आपको मिलने वाली है, जिसमें आपकी फर्स्ट मशीन आपकी ये होने वाली है डिजिटल वेट फिलिंग मशीन और सेकंड मशीन आपकी ये होने वाली है बैंड सीलिंग मशीन। और जैसे कि मैंने अभी आपको इस छोटी मशीन के बारे में बताया, इसमें 2 ग्राम से लेकर 100 ग्राम की फिलिंग होती है, लेकिन दोस्तों अगर आपको किलो में ही पैक करना है या 5 किलो में भी पैक करना है तो उसके लिए भी हमारे पास मशीन अवेलेबल है। ये सेकंड मशीन आप देख सकते हो, ये मशीन हमारी 2 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की फिलिंग करके देने वाली है और ये भी फुल्ली डिजिटल मशीन होने वाली है। हाँ जी, बता दिया किस तरह से आप यहाँ पे सील कर सकते हैं, इसके अलावा वैक्यूम पैकिंग भी जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो वैक्यूम पैकिंग मशीन है, इसमें क्या होता है, ऐसे जो प्रोडक्ट होता है जिसमें आपकी नमी आ जाती है, जैसे इमली हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, जिसमें गर्मी में ज्यादातर होता है कि उसके अंदर के अंदर फफूंदी लग जाएगी, खराब होने का डर रहता है, तो उसमें इस मशीन से क्या है, उस प्रोडक्ट की जो एयर है वो बिल्कुल आप खत्म कर सकते हो, अपनी वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो। क्या बात है मैम, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो आपका प्लास्टिक होने वाला वो कहाँ से मिलने वाला है? सर रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद हमारी कंपनी में देख सकते हो कि आपको कितने तरीका के पाउचेज यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे होंगे, चाहे लड़ी हो गया, सिंगल में बात करूँ तो यहाँ पे सरप हो गया, आटा हो गया, यहाँ पे चाय पत्ती, बेसन, पिसे हुए मसाले, हर तरीके के पाउचेज यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कट्टों में आप बात करूँ तो देखो जितने कट्टे आप ओपन करेंगे सब में आपको पाउचेज आपको मिलने वाले हैं, मतलब रॉ मटेरियल का भरमार आपको हमारी कंपनी में आपको मिलने वाला है, रॉ मटेरियल की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आप इस साइड देखो तो यहाँ पे भी आपको देखो ग्रीन पैड आपको दिख रहा होगा, पैकिंग करते हुए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से आपको ये ग्रीन पैड आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें आपको अलग अलग साइजेस आपको हमारे पास मिल जाएंगे, 3x4 लेना हो, 4x5 हो गया, 4x6 हो गया, ग्रीन पैड का भी पूरा स्टॉक आपको इस साइड आप देख सकते हो। जितना रॉ मटेरियल आपको हमारी कंपनी में देखने को मिल रहा है कहीं नहीं मिलेगा। बाकी कंपनियां क्या करती है, 3x4 के रूम में छोटा सा जगह रूम ले लेती है, 2-4 बॉक्सेस और 1-2 मशीनें रख के आपको दिखा देती है। और यहाँ पे आप हमारा पूरा गोडाउन देख सकते हो कि कितने बड़े मतलब एरिया में हमारा कितना ज्यादा रॉ मटेरियल का स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ये हमारा ओनली यहाँ का गोडाउन है, इसके नीचे हमारा एक और गोडाउन है, वहाँ पे भी काफी तरह की मशीनें और बहुत सारा रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
मैम जैसा कि आपने पाउच पैकिंग बता दिया कि इस तरीके से आप पाउच में पैक कर सकते हो, अलग अलग तरह के आपको यहाँ से पाउच मिलने वाले हैं। बात करें डेट वगैरह, बहुत सारे उस पर क्या होते हैं डेट वगैरह भी डले होते हैं, वो कैसे प्रिंट करते हैं सर? उसके लिए क्या है, जैसे आपके ये प्रोडक्ट है इसमें आपको पीछे MRP वगैरह डलवानी है, एक्सपायरी डेट, तो इसमें हमारे पास भी मशीनें अवेलेबल है। मैनुअल में अगर आप जाते हो तो छोटी मशीनें भी आपको मैनुअल में हमारे पास देखने को मिल जाएंगी, जो बिल्कुल मतलब लो बजट में आपकी होती हो। लेकिन अगर थोड़ा डिजिटल में आप जाना चाहो तो डिजिटल में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मशीन हमारी मिलने वाली है बैच कोटिंग मशीन। इस पर आप एनी प्रोडक्ट पे अपनी MRP, एक्सपायरी डेट, बार कोड हो गया, वो सब स्कैन करना, चाहे मशीन हो चाहे आपके पाउचेस हो, सब पे आप इस पर प्रिंट कर सकते हो। डेमो भी मैं साथ के साथ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने मशीन को लगाया और ये देखिए आपके MRP, एक्सपायरी जो भी इसमें लिखा था सब आपका प्रिंट हो चुका है। तो इस मशीन से आप हर तरीके की बार कोटिंग और एक्सपायरी डेट वगैरह प्रिंट कर सकते हो। मशीन कौन कौन सी वेरायटी का अपने पास मिलने वाले सर? जैसे कि मैंने आपको इसमें दो मॉडल बताया, इसमें हमारे पास 5 kg तक का भी अवेलेबल है। लाइक मैं आपको यहाँ पे बैंड सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास काफी सारे मॉडल मिलने वाले हैं। एक मॉडल आप ये देख सकते हो जिसमें आपको डिजिटल पैनल मिल जाता है, काफी हैवी क्वालिटी मिल जाती है, स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। सेकंड मशीन आपकी ये मिलने वाली है आयरन बॉडी में। देन अगर आप स्टैंड में लेना चाहो 3 kg तक आप अपना वेट करना चाहो, 3 kg तक अगर आप पैकिंग करना चाहो तो ये मशीन होने वाली है। और ये जो मशीन है आपकी 5 kg से 10 kg तक की आपका लोडेड ले सकती है, आप आराम से इस मशीन से पैकिंग कर सकते हो। क्या बात है, मतलब दोस्तों अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई और करना चाहते हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। A to Z सारा सेटअप मशीन से लेकर मटेरियल तक आपको यहीं से मिलने वाला है। तो मैम बात करें मशीन की, गारंटी वारंटी भी अपने पास से मिलने वाली है? हाँ जी सर, हमारी हर मशीनों पर आपको वारंटी मिलती है। वारंटी में ये होता है कि आपको मशीन में कोई भी दिक्कत आती है, आप चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी क्यों ना हो, टेक्नीशियन आपके घर पर जाएंगे सर्विस देने, सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, बस आने जाने का थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग चार्जेस जो है वो आपको पे करना मिलेगा। मगर ये मशीन में परचेज करना चाहता हूँ EMI पर लोन पर, तो उसके लिए क्या रहता है अपना? सर EMI पे हमारी कंपनी में हर मशीन मिलने वाली है, उसके लिए आपको हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपकी नीड होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर आपकी 40-60% की डाउन पेमेंट होती है और 12 महीने की आपकी विदाउट इंटरेस्ट आपकी किश्तें बनने वाली है। मतलब कोई ब्याज दर नहीं लगना, 0% कोई ब्याज दर नहीं होने वाला, गारंटी है बिल्कुल, बिल्कुल गारंटी है सर। तो दोस्तों अगर आपको EMI मिलता है 0% ब्याज दर, इसका बिजनेस कहाँ कहाँ से आपसे जुड़ सकते हैं लोग, कौन कौन कर सकता है? सर अगर मैं इस बिजनेस की बात करूँ तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी क्यों ना हो आप हमारी कंपनी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का जो प्रोसेस है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं, हमारा वीडियो कॉल के थ्रू हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना माल अपने पास मंगा सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहें तो दिल्ली में अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने हमारा ऑफिस है, आप विजिट करके भी हैंड टू हैंड मशीन और रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो में दी होगी आपको समझ में आए, अगर कोई भी डाउट कोई परेशानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि कोई हमारा बेरोजगार भाई खाली ना बैठे और वो अपना बिजनेस शुरू कर सके।